आपको मालूम है कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ फैल रहा है। आप लोग जरूर पूरा मोहल्ले में अपने घर में सोशल डिस्टेंस ही इसका बचाव है, इसके बारे में बताएं और स्वच्छता के बारे में। मैंने आपको पिछले कर्म में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एजर्ट बता दिया था और आज मुझे क्या बताना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बताना है। क्या बताना है? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें नहीं है, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद विद्या शैल लिखना है, फिर आपको नॉट लिखना है, इसके बाद हैव लिखना है, तत्पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट बाई लगा करके ईटीसी अन्य चीजें लिख लेना और फुल स्टॉप मार देना। जैसे हुआ है एक गाना नहीं गा चुकेगा, वह एक गाना नहीं गा चुकेगा। कैसे बनाएंगे? वह ई और ही के साथ क्या लगाएंगे आप? विल। क्योंकि मैंने बताया आई वी का प्रयोग केवल आई वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग होता है, वाक्यकर्ताओं में विल। तो ही विल नेगेटिव है तो नॉट, और क्रिया की तीसरी फॉर्म गा चुकेगा तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और क्या संग कर चुका होगा? एक गाना ए सॉन्ग। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आ चुकी होगी, आ चुकी होगी, क्या बनाएंगे? द ट्रेन, और ट्रेन के लिए विल नॉट, फिर हैव लगेगा, आने के लिए अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव, कहाँ अराइव्ड हो गई होगी? स्टेशन पर एट द, क्या लिख दीजिएगा? स्टेशन। आगे देखिए, अगर दो भागों में वाक्य है, मैंने बताया है बिफोर वाला सिंपल परफेक्ट में और बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में। तो देखिए, जैसे उसके आने से पहले राम पतंग नहीं उड़ा चुकेगा, उसके आने से पहले राम पतंग नहीं उड़ा चुकेगा। क्या बनाएंगे? उसके आने से पहले राम पतंग नहीं उड़ा चुकेगा, पहले राम पतंग नहीं उड़ा चुकेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट में, तो राम और सिंपल प्रेजेंट की नेगेटिव क्या होगी? डज नॉट, क्रिया की तीसरी अवस्था नहीं, पहली अवस्था फ्लाई क्या कर चुका होगा? आ काइट, फिर बिफोर उसके आने से ही
बॉडी के साथ, विल हैव और आना कब, ये नेगेटिव हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, इसमें क्या है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे विल या शैल, किसके अनुसार, इसके बाद हैव, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट, इसके बाद अन्य चीजें लिखकर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा है वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आने पर उसकी अंग्रेजी विल या शैल के पहले लिखते हैं, इसके बाद और विल या शैल कैसे लिखते हैं, कर्ता पे के हिसाब से लिखते हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर हैव लगता है, तत्पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद अन्य चीजें लिख करके प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा देखिए, वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आने पर, तो मैंने बताई दिया प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर कर्ता के बाद डॉट लगाते हैं। अब देखिए वाक्य, जैसे क्या चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी, क्या चिड़िया आकाश में उड़ चुकी होंगी, तो क्या चिड़िया, क्या लगाएंगे हम चिड़िया, विल चिड़िया के लिए द, दूसरा नंबर बर्ड्स, विल द बर्ड्स हैव, विल द बर्ड्स हैव और उड़ना, फ्लू फ्लो फ्लाई फ्लू और फ्लॉ हर फॉर्म, विल द वर्ड्स है फ्लोन, कहाँ फ्लोन कर चुकी होंगी, इन द इस पर क्वेश्चन मार्क, ठीक। दूसरा वाक्य देखिए, तुम यह पाठ कब याद कर चुकोगे, तुम यह पाठ कब याद कर चुकोगे, तो कब प्रश्न सूचक शब्द आ गया when, और तुम के लिए क्या आएगा will, फिर सब्जेक्ट तुम, when will you याद करना, remembered या learn,
लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न और यू के साथ तुम यह पाठ देश यह और पाठ का लेसन क्वेश्चन डबल वाला वाक्य देखिए डबल भाग में उसके आने से पहले सीता कहाँ जा चुकी होगी उसके आने से पहले सीता कहाँ जा चुकी होगी क्या हो जाएगा कहाँ जा चुकी होगी वेयर और पहले सीता कहाँ जा चुकी होगी तो पहले परफेक्ट में बनेगा फ्यूचर में वेयर प्रश्न सूचक चिन्ह शब्द फिर सीता के लिए विल सीता फिर वेयर विल सीता हैव और क्या होगा वेयर विल सीता हैव और थर्ड फॉर्म गॉन वेयर विल सीता हैव गॉन और क्या आएगा बिफोर और बिफोर के बाद उसके आने से ही उनका क्या हो जाएगा आंसर इस प्रकार से आप